Berlin ist das. Wann Gag start? Ja. भाई ये अभी भी ऐसा भागता है ना, पर अभी मैं थोड़ा इसको भगाने में डर रहा हूँ, क्योंकि भाई 2 मंथ बाद इसको चला रहा हूँ मैं। सच में भाई 2 मंथ बाद तो डर थोड़ा लगता ही है, क्योंकि तो मित्रों क्या हाल चाल, मैं आपको अभी डर आप दिख रहे हैं यूट्यूब चैनल को। तो यार आज का कुछ प्लान ऐसा है कि हम जा रहे हैं अपने चेतक को राइड पे लेके, क्योंकि 2 मंथ हो चुके हैं और अपने चेतक को हमने चलाया नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो आज अपने चेतक को लेके चलते हैं राइड पे। तो ये रही अपनी पार्किंग, ये रही अपनी स्कूटी और ये रहा अपना चेतक। तो सिर्फ घूम तो जाएगा ये, इसको हटाते हैं यहाँ से कम 2 महीने बाद स्टार्ट होगा यार ये, क्या बोलती पब्लिक, स्टार्ट होगा ये कि नहीं। भाई देखो कैसे निकलने की तैयारी में ही है ये, तो कि मेरे को ले चलो। ऊपर से वेदर भी कुछ सही नहीं है आज का, पर देखते हैं क्या होता है। बाकी एंगल मेरे को लगा जहाँ तक सही ही होगा अभी वीडियो का, बाकी देखते हैं मैं कितना देखते बोलता हूँ आप। अपरे बापरे बापरे, इसको नीचे रख देते हैं, बाकी तब देख सकते हैं क्या लुक है भाई इसकी। टायर में हवा भी है, सब कुछ सही है और मस्त लग रहा है देखने को एकदम। मुड़ जाएगा शायद ये, घूम जाएगा यहाँ पे। तो ये रही इसकी चाबी, बापरे भाई साहब कितना आज अलग सा लग रहा है। तो अभी के लिए यही कपड़ा इससे साफ कर लेता हूँ मैं। देख रहे हो भाई कितनी प्यारी लाइट है, बेकार लगता है, लाइट्स जली होंगी। ओ ये जल रही है, बैटरी डेड नहीं है भाई इसकी। सच में भाई 2 महीने बाद स्टार्ट करूँगा मैं इसको, सच में 2 महीने बाद। बाकी तुम्हें एक सीक्रेट जगह दिखाता हूँ, इसमें कंपार्टमेंट है, यहाँ बैटरी है और एक स्विच ऑन करते ही अब इस पूरे स्कूटर के अंदर पावर आ चुकी है। तो भाई यार स्कूटी करनी पड़ेगी शायद आगे थोड़ी सी। ये भाई गिरे ना, तो भाई 2 मस्त व्यू एक ही फ्रेम के अंदर, एक ये और एक ये, पर ज़्यादा हर कुछ ये जो भी बोलो। तो इसको मैंने कर दिया है ये, और पावर भी इसमें आ चुकी है। भाई क्या लगता है स्टार्ट होगा, क्योंकि पेट्रोल तो इसमें होगा, देख ही लेते हैं यार। ओ भाई तेल के कुएं चल रहे हैं अपने, तो देख रहे हो भाई अब दुबई के शेक है भाई, हमारे पास तेल की कमी नहीं है। तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं इसको, सब कुछ सही, सब कुछ सही। चलो इन 3 2 1। ओ भाई 2 मंथ बाद फर्स्ट किक स्टार्ट, भाई साहब देख रहे हो भाई घूम रहा है इसका इंजन, ऐसा ना सोचना कि नहीं है, देख लो भाई साहब 2 मंथ बाद अपना चेतक फर्स्ट किक में स्टार्ट हो गया भाई, यार क्या ही चाहिए भाई। बाकी पहले बहुत आराम से बात कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा ज़ोर से बात करते हैं। तो फर्स्ट किक स्टार्ट अपना चेतक, और बहुत सही भाई बहुत सही। इसको हमें एक शॉर्ट राइड पे लेके चलते हैं, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, छोड़े रखेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में इसकी हम अच्छे से सफाई वगैरह करवाएंगे, मस्त एकदम इंजन वगैरह सब कुछ साफ़ करवाएंगे इसका,
वैसे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देखते हैं जो प्लानिंग रहता है, जो भी जैसा रहता है तब की तब देखेंगे। पर भाई अभी के लिए एकदम सेक्सी स्टार्ट हो चुका है ये। लाइट्स, ये अपनी पैटर्न चेंज करता है लाइट्स का। ओह ये KTM स्टाइल पैटर्न बाबा। तो बाबा अपना चीज स्टार्ट हो चुकी है, अपना चेतक स्टार्ट हो चुका है। तो अब ले चलो इसको, ले चलते हैं राइड पे। बाकी यहाँ पे भाई मोटा ही ऑफ रोड है। एक तो मन तो नहीं है कि यहाँ से मैं पूरा ब्लॉग बनाते हुए चलूँ, लेकिन कोई बात नहीं भाई। कितना अजीब लग रहा है इसको ऐसे उठाना, क्योंकि मैं वही बात है ना, मैं स्कूटी इस्तेमाल कर रहा था बहुत टाइम से, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है इसको ऐसे छूने में। बाप रे भाई क्या फील आ रही है इतना टाइम बाद। नहीं भाई तुम्हारा भाई गियर लगाना नहीं भूला है। चलो भाई ये तो हो जाएगा अब। अरे पीछे क्यों नहीं जा रहा, देख रहे हो भाई साइड स्टैंड है तुम्हारे भाई के स्कूटर में। क्या लुक आती है भाई इसकी, देख रहे हो तुम। KTM से सबसे भयंकर मैं झड़ गया था अभी KTM के बोलने चक्कर में। ओ, बंद हो गया, कोई नहीं। लेकिन अरे इसको बड़े प्यार से मोड़ना पड़ेगा, कहीं नीचे ना घिस जाइए। फंस गया भयंकर। लेकिन मेन दिक्कत भाई स्कूटी की है, ये नहीं गिरनी चाहिए, ये तो पिताजी मार को गिर देंगे। और अपना चेतक तो भाई इसको तो खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। ओ भाई घूम गया घूम गया घूम गया घूम गया अपना चेतक घूम गया। ये तो लॉक है, ये गिरती नहीं कहीं पे। बाकी एक फाइनल लुक देख लो भाई चेतक का आपने। इसको मैं वापस ढक देता हूँ ताकि कोई नत्थू गहरा आके कुछ कल्याण ना करे। तो बाप रे बाप भाई कितना मज़ा अलग सा लग रहा है इतने टाइम बाद अपने चेतक का बैठना। तो चलो करते इसको स्टार्ट। हॉर्न सुना के भाई, इसका सबसे सेक्सी हॉर्न है इसमें लगा हुआ, देखना सुना भाई एकदम ट्रेन हॉर्न है सेक्सी वाला। तो चलो अपनी ब्रेक, अपना है ये क्लच और ये अपनी अगली ब्रेक जो कभी लगती नहीं है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। और भाई साहब अलग ही मज़ा आ रहा है भाई इसको छूने में। पर कसम से भाई कितना अलग सा लग रहा है, क्योंकि मैं वही हूँ ना, मैं स्कूटी चलाने लग गया था कुछ टाइम के लिए, तो इसको चलाने का मौका नहीं लग रहा था। लेकिन भाई आज मौका लगा है और लेते हैं शंकर का नाम और चलो राइड करते स्टार्ट। ओ ये कम से भाई बहुत ज़्यादा अजीब, क्योंकि हम इस तरफ अच्छा लग रहा है बहुत टाइम पर हमने नीचे तक को बाहर निकाला है। और कुछ नहीं होता भाई, तुम्हारे भाई और पैसा दे देना आता है इसको। चलो नेक्स्ट स्टॉप बेकार बंदे होते दुनिया में जो पढ़ते ही नहीं है। सेक्सी रोड, बाकी भी डर तो मेन चाबी का है कि चाबी ना चढ़ जाए कहीं पे। और भाई सबसे अच्छी बात पता स्कूटर की ये लगती है मेरे को कि इसको न्यूट्रल करना होता है ना, तो एक बार ही में हो जाता है, तो ये दिक्कत ही नहीं है। आराम से एक बार ही में बस चाबी ऑफ करो, क्लच दबा दो, चाहे आप दूसरे गियर में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, या पता नहीं कौन से गियर में हो, भाई फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, ये एकदम ऑफ हो जाएगा। और स्कूटी को भाई जितना हो सके उतना पहले आस्ते कर लो, उसके बाद जाके उसको स्लो करो।
यार, भाई ओल्ड इज गोल्ड। और भाई कसम से अभी तो शॉर्ट राइड ही लूँगा मैं ऐसी, पर जब मैं इसको कहीं दूर लेके जाऊँगा ना भाई, तब मैं इसको दिखाऊँगा वो कितना तेज़ चलता है। भैया स्कूटी और आराम से भैया छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें 150 सीसी का इंजन लगा है, प्लस अलग से ट्यूनिंग कर रखी है मैंने इसमें, क्योंकि जब मेरे पास ही जब तक था, मतलब मेरे पास ही है वैसे तो, पर जब मैं इसको डेली यूज़ में अपने यूज़ में लेके आता था, तो उस टाइम पे भाई मैंने इसमें इतनी मॉडिफिकेशन करवाई है ना कि मैं बता नहीं सकता, एकदम गच भाई गच। पिकअप इसकी एक एक नंबर, सब कुछ इसका एक नंबर है भाई, कोई इसको देख के बोल नहीं सकता कि ये ऐसा ही है या कुछ ऐसा ही है, एकदम एक्सट्रीम। बाकी ये तो है भाई कि यहाँ पे रोड बहुत ख़राब है, पर कोई ना चलता है। ये तुम्हारा भाई आया भी स्लीपर में है भाई। वैसे तो पुलिस नहीं होती, लेकिन अगर हो तो भाई हम मारे जाएंगे ढंग से ही कि हाँ भाई स्लीपर्स में कहाँ चले गए हो तुम। बाकी अब देखना, बाकी भाई टायर से गंजे हैं, इसे टायर कभी चेंज भी नहीं हुए हैं, तो मोड़ पे भाई बहुत सावधान रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। बाकी भाई इतने जंप लग रहे हैं ना, मेरी आवाज़ भी ऐसे जंपिंग जपैंग कर रही है भाई ढंग से ही। बाप रे, पर भाई ओल्ड इज गोल्ड चीज़ बहुत सेक्सी है। कि भाई लोग बोलते हैं ना कि इसकी ब्रेकों पे भरोसा मत करो, भाई मैं इसके ऊपर इतना अंधा भरोसा करता हूँ ना कि मैं बता नहीं सकता। इसकी अगली ब्रेक भाई बिल्कुल काम नहीं करती, देख लो बिल्कुल काम नहीं करती। मैं जो भी पिछली ब्रेक के सहारे हूँ, पर भाई जो भी बोलो मेरे को अपने स्कूटर पर पूरा भरोसा है भाई, ये कभी धोखा नहीं देगा मेरे को कभी भी। हाँ ये है कि इसने पेट्रोल के लिए तो मेरे को भाई बहुत बार धोखा दिया है, इतनी जल्दी पेट्रोल चूस लेता था ना कभी कभार, मैं बता नहीं सकता। यहाँ पे 2 मिनट रुक के थोड़े बहुत शॉट्स लेते हैं अपने चेतक के, या आगे लेते हैं सेक्सी लगेगा भयंकर भाई। पेट्रोल बंद नहीं, पेट्रोल नहीं होना चाहिए ख़त्म। ओ भयंकर, ओ नहीं नहीं होगा, स्टार्ट होगा सर भाई, फट गई थी 2 मिनट के लिए मेरी। ये भयंकर पेट्रोल का धोखा बोल रहा था मैं, इसने कहीं दोबारा धोखा दे दिया मेरे को, तो मैं क्या करूँगा। तो एक काम करते चलते अब यहाँ से हम बढ़िया करके, शेड बंद हो गया, चल पड़ा। तो बाप रे रास्ते बड़े प्यारे हैं, क्या करें मित्रों। मन तो कर रहा है न्यूट्रल ले चलो इसको, पर भाई आगे जाके चढ़ाई है, इंजन पे ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे क्योंकि भाई ये बहुत प्यारी चीज़ है और हैंडल विद केयर करना पड़ता है भाई इसको, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड और पुरानी चीज़ें भाई मतलब है विंटेज स्टफ। तो इसलिए एक तो बात यार भाई, भयंकर रास्ता इतना ख़राब है ना भाई, जो बोलना है ना वो भी दिमाग से निकली जा रहा है। मेरे को इसका हॉर्न बड़ा बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा हॉर्न है मेरे स्कूटर का। एकदम सेक्सी चलता है भाई अपना स्कूटर, मस्त एकदम, और मजा तो इसको चलाने में। पर भाई हम ऐसे राइड्स हर किसी को देते भी नहीं इसमें, क्योंकि अपनी चीज़ अपनी होती है, उसको दूसरा चलाना बड़ा दर्द लगता है कि यार पता नहीं कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि मैं इस तस्वीर चलाऊँ मैं इसे फंसूँ मैं रगड़ूँ मैं जो मर्जी करूँ, दूसरा करेगा ना भाई तो दिल में दर्द होता है कसम से भाई, मोटा दिल में दर्द होता है फिर कि अच्छा ऐसे कैसे चला रहा है तो भाई इस मेरी चीज़ को।
तो भाई जो भी बोलो ये चीज़ है बड़ी प्यारी, और रास्ते भी हैं भाई वो तो इससे ज़्यादा प्यारे हैं। भाई अपनी आवाज़ कैसे डगमगा रही है ना भाई मुड़ी। जो भी बोलो ये जो चीज़ है ना भाई, जिसके पास भी है ना घरों में ये भाई, उसको संभाल के रखो, इसकी मेंटेनेंस रखो, क्योंकि भाई आने वाले टाइम में ना ये चीज़ें दिखेगी नहीं कभी भी। तो भाई सही में पुराने दिन याद आ गए भाई, इसको चला के दो भयंकर आगे से क्या गए ये जाने दो भाई इसको। ऊपर ही आ गई थी भाई ये तो, तैयारी में थी मेरे को गले लगने के लिए। सिस्टम से भाई स्कैम ही होता है। स्कैम ही सेक्सी है यार। करते हैं इसको स्टार्ट, हो गया स्टार्ट। बम 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 बम। स्किट बड़ा कुछ मारता है ये स्कूटर पे भी। अरे इसकी ब्रेक भी नहीं लगती है तो, फिर भी इसको उतार देंगे भाई। अपना चेतक अपने घर पहुंच गया, लगाते इसको स्टैंड। ओह ये हैंडल लॉक, दूसरा लाइट्स ऑफ, तीसरा इंजन पावर ऑफ, हेवीली मॉडिफाइड चेतक।